अनुज गुप्ता है एंजल कमोडिटी के। अनुज जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से गोल्ड का मार्केट आज ओपन हुआ है मजबूती के साथ, क्या आपको लगता है कि यहां पर भी गोल्ड में खरीद कर चलना बेहतर होगा, बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? मैडम जी गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम लास्ट वीक को देखें तो नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था और 1260 के नीचे भी भाव चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी जो टेरिटरी है गोल्ड की थोड़ी सी नेगेटिव ही रहेगी। हमें लगता है कि गोल्ड में चलान राइज करके चलना चाहिए। मीन्स हमें लगता है कि करंट रेट से भी गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3750 का टारगेट करीबन 3000 या 400 देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। चांदी पर क्या व्यू है आपका? 39900 के नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव, हालांकि 100 रुपए की मजबूती है, क्या ये तेजी आज बढ़ सकती है और 40,000 के आसपास का भाव आप देख रहे हैं चांदी में? देखिए, अगर 40,000 के आसपास के भाव मिलते हैं तो हमें लगता है कि सेलिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 16.10 के आसपास रेट चल रहे हैं। ठीक है। और हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ी तेजी आते हुए देखी है, हमें लगता है कि उसका असर थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर पर नेगेटिव रहेगा और वीकली बेसिस पर जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं उसका इम्पैक्ट भी रहेगा, तो सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि टिकवाली करके चलना चाहिए। टारगेट नीचे करीबन 39,400 तक मिल सकता है। ठीक है। क्रूड को लेकर के क्या भी होगा आपका अनुज? कच्चे तेल में थोड़ी सी मजबूती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं क्योंकि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक घटा है, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, क्रूड में देखिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ देखने को मिल सकता है, हालांकि 74 के ऊपर भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो क्रूड के अंदर बाय करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि टारगेट ऊपर करीबन 5150 और $75 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉपर में आज के लिए बाय सेल? देखिए, कॉपर में हमें लगता है कि बेस मेटल में रिकवरी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से, तो हमें लगता है कि बेस मेटल में आज बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। कॉपर के अंदर हमें लगता है कि बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 437 से लेकर 440 तक देखने को मिल सकता है। ओके, आखिरी सवाल आपसे, एग्री मार्केट में आज के लिए ग्वार में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? और देखिए, ग्वार के अंदर हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। पिछले हफ्ते हमने तेजी आते हुए देखी है, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में बाय करके चल सकते हैं। ग्वार में टारगेट ऊपर करीबन 4200 तक मिल सकता है और ग्वार गम के अंदर करीबन 8850 तक लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया आपका अनुज इस पूरे अपडेट के लिए बताने के।